कैसे हैं आप लोग? और आप लोग देख रहे हो मैंने साड़ी पहनी हुई है आज फिर से, और मैं बस ये चेंज ही करने जा रही थी, बट मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको एक बार दिखा दूँ कि आज मैं कैसे तैयार हुई थी, आज का लुक मेरा क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आज का लुक देखिए। अच्छा ओके, मैंने ना ये किसी और साड़ी के लिए मेकअप किया था, बट मैंने साड़ी चेंज कर ली है। तो मेकअप इज़ आजकल मेकअप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक करने लग गई हूँ, पता नहीं आप लोग बाकी का बताइएगा। आईज़ फोकस तो कर नहीं रहा यार मेरा कैमरा, तो मैं क्या ही बताऊँ, बट देखो कुछ ऐसा है। हाँ मैं ना रोज़ रोज़ यार रेड और पिंक लगा के थोड़ा सा ना पक गई थी कि यार पिंक और रेड से बाहर निकलती नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वही लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे ऊपर, बिकॉज कि मैं डस्की कलर है और ज़्यादा न्यूडिश शेड में ट्राई नहीं कर सकती हूँ, ना लाइट में ना डार्क में, क्योंकि मेरी लिप्स भी थोड़े से पिगमेंटेड हैं, सो दैट इसलिए। बट मैंने आज एक न्यू ब्राउनिश न्यू कलर ट्राई किया अपने लिप्स के लिए, और मैं सोचा कि आज मैं कुछ अलग लगाऊंगी, कुछ रेड और पिंक से हट के लगाऊंगी। सो मैंने आज ये लिप कलर चूज़ किया अपने लिए। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करिएगा, है ना, और मेकअप कैसा लग रहा है ये भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मैं दोबारा ऐसे अपनी मेकअप वीडियो स्टार्ट कर दूँ, मैं सोचती नहीं ऐसा नहीं कर सकती मैं, पापा नहीं है घर पे। आप सोचोगे कहाँ गए हैं, आज छुट्टी है वैसे सबकी, पापा गए हैं अमन के पास, अमन से मिलने गए हैं, वो कल ही चले गए थे, तो कल रात में शायद वहीं रुके हैं और आज शाम को आएंगे। तो पापा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, दिवाकर जी हैं और डुगू हैं, तो छुट्टी पे हैं दिवाकर जी भी। और मैं पता है, देखो मैं अपना सेटअप दिखाऊँ, मेरी रिंग लाइट सेटअप, वीडियो शूट कर रही थी मैं यहाँ पे अपनी, इसलिए मैंने यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। बाकी आप चलिए अंदर, मैं सबसे मिलाती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल चाय बनाती हूँ और चाय जला दी मैंने आधा से ज़्यादा, वो देख लो आप, हो गई ना बिल्कुल काली काली चाय, बिल्कुल काली चाय हो गई है, जला दी मैंने, चाय गिर गई है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं चाय रख के साड़ी पहनने लग गई, कि मैं भूल ही गई कि मैंने चाय रखी है गैस पे। तो चाय तो अधिक ज़्यादा जल गई है, और ये ब्लाउजेस तब के हैं, ये साड़ियाँ तब की हैं जब मैं बहुत ऐसी हुआ करती थी, और अब ये बिल्कुल मेरे लाइक देखो, देख रहे हो एकदम ढीले ढीले से ब्लाउज है, और मैंने इसमें जुगाड़ कर करके पहना है, क्योंकि कहीं से भी नहीं आ रहे थे, ना बाजू से ही आ रहे थे, बाजू में भी जुगाड़ है और भी जगह पर जुगाड़ है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने कहा इसे पहनने लायक तो अभी के लिए, मुझे इमरजेंसी वाला काम है तो अभी के लिए चला लूँ, बाद में इसकी फिटिंग दोबारा से कराएंगे जैसा भी होगा, है ना। तो अभी तो आ जाओ आप लोग, और ये साड़ी बहुत प्यारी है मुझे यार, ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, सी प्रिंटेड साड़ी है, और बीच में ना देखो प्रिंट है और बीच में नग नग लगे हुए हैं, चमक रहे हैं ना, ऐसे वाले नग लगे हुए हैं, और ये बड़ी प्यारी साड़ी है, बहुत ही प्यारी साड़ी, जब से लिए मैंने धोई नहीं एक बार भी, वो पहन तीन चार बार ली है। तो ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी है, पूरा लुक दिखाऊँ आपको, मुझे चैन कहाँ आता है बिना आपसे बात किए, बिना आपको लुक दिखाए पूरा, ये पूरा लुक देखते हैं, आ जाओ। पूरा लुक ये है इसका, देखो तुझे सच्चे सच्चे सुनो, तुझे दिल तुझ में ही डूबा रहे, दिल तुझ में ही डूबा रहे। जब से लिए अनुभव, आई वांट टू डू समथिंग जो भी था इस गाने में, मुझे याद नहीं है। सो हवा अच्छी चल रही थी, पूछे कैमरा काम कर दे अपना, चल रही ना हवा, मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस यहीं शूट करती हूँ, यही बैकग्राउंड होता है, अच्छा लगता है ना। दिवाकर जी चाय पी लो। हेलो, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मैं दाव ना ठीक से कैमरा पकड़ना जरा। हाँ छोटी थी ना, कैसा लग रहा है? बहुत बेहतरीन, सबको बताओ, बहुत अच्छा मेकअप करती है, थोड़ी सी आप लोग लाइक और क्या बोलते हैं फॉलो इंस्टाग्राम पे, फॉलो क्या मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, पसीना देख रहे हो बहुत ज्यादा, पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा।
तो आप सब लोग लाइक वाइक बढ़ा दो। हाँ आप लाइक करो, मुझे फॉलो करो प्लीज़ सोनिया 8118 पे प्लीज़। और वहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि सोनिया तुम्हारी आईडी नहीं मिलती है, कौन सी फ़ोटो लगा रखी है। तो ये जो मेरे फेसबुक पे, फेसबुक कह रहे हो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे ये जो मेरे यूट्यूब पे पिक लगी हुई है ना प्रोफाइल पे, यही मेरे उस पर भी इंस्टा पे भी लगी हुई है येलो टी शर्ट में और मेरा सिल्वर प्ले बटन लेके। तो ऐसे आप मुझे पहचान सकते हो। आजकल साड़ी पहनती अच्छी लगती है। मैं तो खूबसूरत लगती हूँ। चलो चाय खा लो, इसमें हमारे दोनों की हो जाएगी और बढ़ाऊं? कमी पियो तुम, नहीं तो फिर मोटी हो जाओगे। सारा सामान देखो यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, पता कितना खाना बनाया मैंने आज, दिन में 3 बार खाना बनाया। देख लो दाल भी मेरी सारी बह गई और उधर भी सब्जी बना के रखी हुई कढ़ाई में, इधर दूध गर्म करने के रखा है, इधर देखो टमाटर और प्याज काट के रखा है। मतलब मेरी ज़िंदगी, इंस्टाग्राम पर भी वीडियो बना रही हूँ, साड़ी भी पहन रखी है, इतने सारे बर्तन धो के रखे हैं, इतना सारा खाना ही बनाया है। मतलब कुछ करो इसका मतलब आप कुछ करो। सुपर स्टार हो तुम यार, सब कुछ कर सकती हो, है कि नहीं? चढ़ाओ मत मुझे पानी पे, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ क्या। देखिए इंस्टा की फेमस 8118 वाली अब खाना बनाने जा रही है। क्या करने जा रही है? खाना नहीं, चाय पीने जा रहे हैं। चाय पीने जा रही है। कैसे कप निकालना इसमें से, कोई कैसे कप निकाल सकता है? फूट जाएंगे ना। मैंने जल्दी जल्दी में धो के उसी में रख दिए, फूट जाएंगे निकालने में। निकाल दो ना। मेरी लिपस्टिक मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? लिपस्टिक मैं सोच रही हूँ इस पर चेंज कर लूँ, इस वाली साड़ी के लिए रेड कर लूँ, इसे रेड और भी अच्छी लगेगी। फाइनली मैंने अभी मेकअप जो है रिमूव कर दिया है क्योंकि बहुत थकी थकी लग रही हूँ ना मैं आपको यार, इतना मतलब हैक्टिक वाला जो शेड्यूल होता है ना वैसा हो जाता है मेरा कभी कभी, तो इसलिए। और आज मैंने पता है क्या मंगवाया था? आज नायका से आया था मेरा एक पार्सल जिसमें क्या था, अभी ये खाली है, बट इसमें आया क्या था, इसमें आया था 2 ब्यूटी ब्लेंडर मैंने लिए थे फ्रॉम द ब्रांड कॉल पैक PAC का। तो मुझे PAC के मैंने एक बार यूज़ किए थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मेरा 3-4 साल चल गया और वो ख़राब हो गया था, तो मुझे मेकअप करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक नया लिया। और दिवाकर जी के लिए आया है कुर्ता एंड पजामा, तो ये दिवाकर जी के कपड़े लिए गए हैं। ओके तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर की भुज्जी, जो कि ये मेरी ऑलमोस्ट पूरी बन के तैयार हो गई है, बस इसमें धनिया की पत्ती मेरे पास है नहीं, अगर मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल देती तो इसके मतलब क्या बताऊँ, क्या ही इसके रंग रूप हो जाते, बट ठीक है मैंने आज खाना नहीं खाया है, शाम अच्छी खासी हो रखी है। तो पूरा दिन मैं रील बनाने में लगी हुई थी और जो वीडियोज़ बनानी थी शूट करनी थी वो सब किया, बट खाना खाना रह गया, भूल गई, तो इसलिए अभी हम चलते हैं थोड़ा सा खाना खा लेते हैं यार, भूख बहुत तेज हो गई है। अब तो ये रोटी मैंने अभी बना के रखी है, जस्ट गरम गरम है, तो इसको मैं उसमें कैसरोल में डालती हूँ, और लेकिन पहले अपने लिए 2 ले लेती हूँ। सैलेड काट रही हूँ, मज़ा आएगा सैलेड के साथ, है ना? अगर सलाद होता है तो खाने का मज़ा दुगना हो जाता है, सही कहा ना हमने। सो मैं आ गई अपना खाना लेके यहाँ पे, पनीर भुज्जी रोटी एंड सैलेड गाजर और खीरा। तो आजकल कुछ ऐसा सा खाना खाती हूँ मैं, तो पहले खाना खा लेती हूँ एंड खाना खाने के बाद फिर मिलती हूँ, फिर बात करती हूँ, पहले फिनिश करते हैं क्योंकि मेरा कैमरा अभी गिर गया था, पता है फ्रिज के ऊपर रखा था, मैंने फ्रिज खोला ध्यान नहीं दिया, कैमरा नीचे, अब बस मैंने उसकी जो ये माइक है ना वो मेरे हाथ में आ गया और बस ज़मीन पे नहीं लगा, नहीं तो अभी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो होते होते बच गया। चलो मैं खाना खा लेती हूँ फिर बात करती हूँ। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और सुबह के 6 बज रहे हैं करेक्ट, मैं अभी तो नहीं उठी हूँ, मैं उठी थी 5 बजे है ना। ओके
हाँ तो मैं अभी तो नहीं उठी हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, लेकिन फिर अपना जो रूटीन होता है उसे फॉलो किया, एप्पल साइडर विनेगर वगैरह जो भी पीती हूँ पिया, एंड अब मैं थोड़ा सा रनिंग के लिए जा रही थी, मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ अपना, क्योंकि कल मैंने जैसे बताया था आपको मेरा कैमरा फ्रिज से ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था, बस ये मेरे हाथ में हल्का सा रह गया था और उसकी वजह से बच गया, नहीं तो कल मैं बहुत बहुत तगड़ा वाला फटका लगता मुझे, एकदम मूड रात में ना डिस्टर्ब हो गया था शाम को, मैं यार कितना बड़ा कांड होते होते बच गया, सच्ची मैं बता रही हूँ बहुत अभी ना दिन ख़राब चल रहे हैं, अभी ना ऐसा लग रहा है दिन ना थोड़ा ख़राब से चल रहे हैं, तो ज़्यादा रिस्क लेने लायक नहीं है, कपड़े धोने बहुत सारे आके लगाऊंगी, दरी वरी निकाल रखी मैंने धोने के लिए, और बहुत सारे कपड़े मैंने धो के यहाँ पे रखे भी हुए हैं जिनको सुखाने हैं, ये मैंने रात में धोए थे। हाँ तो पापा डुकू दिवाकर जी सब लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे होंगे कुछ लोग जग रहे होंगे, मिलते हैं आ जाओ। अभी मैं फिर गिर जाती स्पाइक से, घर की अर्थव्यवस्था ये चल रही है मेरी, पापा यहाँ हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी, दिवाकर जी एंड डुगू। आजकल पता है हम लोग कैसे सोते हैं, दिवाकर और पापा जी यहाँ साथ में सोते हैं और मैं और डुगू यहाँ सोते हैं इस साले गद्दे पे, लेकिन ज़्यादा मज़ा कहाँ सोने में आता है, नीचे आता है, नीचे ज़्यादा मज़ा पता नहीं क्यों बट नीचे सच में मज़ा आता है, नीचे कभी झगड़ा होता है। हाँ कभी झगड़ा होगा तो अब पता चल गया, कब झगड़ा हो तो मैं अपने यहाँ शिफ्ट हो सकती हूँ। सो ये है पापा, गुड मॉर्निंग हैं पापा, तो 5 बजे उठने वाले थे। हाँ पापा रोज 5 बजे उठते हैं, तो क्या है 5 बजे कहाँ उठे, जा रहे था। अच्छा लेकिन ये जग ही नहीं होंगी, मैं जग गई थी, उससे पहले से जग रही थी, मैंने आज खुद अलार्म बंद किया था। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं मिला होगा, इतना सोती है ये, बहुत सोती है। और आप जागरण करते हो रात में? मैं तो सारे शाम भी उठ गया। अरे देन हो, चलो मैं जा रही हूँ, तैयार हो, चलो बाय बाय।